हमारा गुरु मंत्र। सबसे पहले जो मुख्य बात है जान लीजिए, जिसको मैं अभी थोड़ी देर से लगातार आपको बता रहा हूं कि नियमित रूप से हवन करना बहुत आवश्यक है। नवरात्रि में नियमित हवन करने से बड़े विशेष लाभ होते हैं, और लाभ तो छोड़िए, हवन करने से आपकी जो शुद्धि होनी प्रारंभ होती है और आपका माँ से जो सीधा कनेक्ट होना प्रारंभ होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हवन और ध्यान यही दो मुख्य हैं जिनसे आपका और उस दिव्य शक्ति का कनेक्ट होता है। जब आप अग्यारी के लिए बैठें, अपने हवन कुंड को बहुत सुंदर बना के रखिए। बहुत सारे लोग बस कहीं से कुछ भी ला के उसके अंदर थोड़ा सा कुछ जला के यज्ञ कर देते हैं, ऐसे नहीं। आपको 9 दिन का कुल सवाल है, आधा पौना घंटा थोड़ा जल्दी उठिए और सुंदर सा यज्ञ बना के और उसके बाद जल से उसको पवित्र कीजिए। और यदि आपको पवित्रीकरण मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक छोटे से मंत्र से जल से पवित्र कर सकते हैं, जैसे आपको पंडित श्री हरि जी करके दिखाएंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरस्तुजे। इसके बाद आप इसको आप ओम पवित्र पवित्र भव ये भी कह सकते हैं। और इसके बाद फिर समय आता है अग्नि प्रज्वलन का। आपने हवन कुंड के अंदर, हवन कुंड आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हवन कुंड के अंदर फिर आपने अग्नि को प्रज्वलित करना है। अग्नि प्रज्वलित करने के उपरांत जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जितने अधिक जप आप इस नवरात्र में कर सके उतने कर लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये अद्भुत लाभकारी है। माँ से जुड़ने की कोशिश तो करिए, आगे सब वो देख लेंगे। प्रारंभ करते हैं अग्नि प्रज्वलन। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम् होता आरम रत्नधातमम् अग्निः पूर्वे एभिरिषिभिरीड्योनूतने रुदा स देवाय एह वक्षसे हरिः। ओम ओम व्यानाय स्वाहा इदं व्यानाय इदन्न मम। ओम उदानाय स्वाहा इदं उदानाय इदन्न मम। और इसके बाद अब हम लोग मंत्र प्रारंभ करेंगे। ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमश्चंद्रिकायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंद्रिकायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंद्रिकायै स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै स्वाहा। जब भी आप आहुति डालें तो हमेशा याद रखें, इसे मृग मुद्रा कहते हैं, यानी आपको अपनी तर्जनी और कनिष्ठा ये बाहर रखनी है और इन दोनों यानी मध्यमा और अनामिका और अंगूठे का प्रयोग करते हुए समिधा को इस प्रकार से पकड़ना है और इसको बहुत आदर पूर्वक आपने अग्नि कुंड में डालना है। यदि अग्नि कुंड बड़ा है जैसे हमारे आश्रम का है तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, छोटा है तो आप इस प्रकार से, लेकिन आदर से करिएगा। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके फेंकना शुरू करते हैं, वह है अनादर है। तो ये 9 दिन उपवास रखना है, नियमित रूप से जप साधना आराधना करनी है, अर्गला स्त्रोत का पाठ करना ही करना है, और आपको रात्रिकाले मानुषीत काल का ध्यान अवश्य करना है। और मंत्र वही ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै। जब आप आहुति करेंगे तो स्वाहा लगा दीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ चलता हूँ। अम्बे मैया की जय।